छठी माता की, मैया की, देव की, पूर्व देव की, मैया की, छठी माता की। भैया हमारे बगल में जो लड़का लोग को देख रहे हैं, सभी जो हाथ में यानी किसी के पास बोतल है, किसी के पास कुदारी है, तो शायद आप लोग को लगता होगा ये लोग जो है रोजगार करने के लिए जा रहे हैं या रोजगार करके आए हैं। भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, इसीलिए ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि हमारे बिहार के लोक आस्था के महापर्व यानी छठ होता है, इसके तैयारी के लिए ये सभी युवक जो है यानी अपने अपने घर से एक एक औजार लेकर और छठ घाट आ गए हैं। और माता के वो छठ घाट के जो कार्यक्रम है, जो छठ घाट बनाना चाहिए, वो सभी ये लोग काम कर रहे हैं। और ये सभी लोग है कहीं ना कहीं है जो किन्हीं अन्य शहर से आए हैं, क्योंकि हमारे बिहार का सबसे बड़ा पर्व महापर्व यानी कि छठ पूजा है। इन लोग से जानेंगे कहां कहां से आए हैं और इस बार छठ पूजा पर यानी कि क्या कुछ तैयारियां करेंगे। क्या नाम है भैया? श्री राम। आप कहां से आए हैं, कौन से शहर से? बिहार ही के। बिहार के ही हैं। अभी छठ पूजा आने वाले, क्या तैयारी है आपके गाँव में? अभी छठ पूजा में ये है सर की अभी छील छाल कर रहे हैं। हाँ हाँ। फिर तीन चार दिन के बाद फिर केला लगाएंगे, उसके बाद पूजा करेंगे। जी अच्छा, आपका क्या नाम है? घनश्याम कुमार। क्या कहना चाहते हैं? कहना यही चाहते हैं, छठ पर्व आने वाला है। हाँ। घाट उठ को छील रहे हैं जी, आए हैं प्रदेश से, गुजरात से आए। कौन जगह से आए? गुजरात में रहते हैं। अच्छा, गुजरात में रहते हैं। हाँ, यानी कि छठ पर्व में क्या चीज आपको अच्छा लगा कि आप गुजरात से बिहार आ गए? वो महापर्व है छठ, बिहार के लिए तो जाना तो पड़ेगा जी, आना तो पड़ेगा। और कहीं कहीं जितने भी अपने बिहार के लोग बाहर में रहते हैं सब गाँव आ जाते हैं। सब गाँव आ जाते हैं जी। आपका क्या नाम है? श्याम। क्या श्याम चौपाल। क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्या बोलेंगे, हम लोग बम्बई में रहते हैं, अभी गांव आए छठ पर्व पे। हाँ। इसके बाद सामा आएंगे, इसके लिए खुशी से आए हैं देखने के लिए बिहार। और काफी जोर शोर के साथ बना भी रहे हैं। बना भी रहे हैं। और जैसा कि देख सकते हैं भैया यहाँ पर देखिए कितना यानी कि केचली है, ये लोग कितना मेहनत किया, आप थोड़ा मेहनत आपको दिखाते हैं कि ये लोग कितना मेहनत कर रहे हैं। और यहाँ देखिए कितना पानी अभी है कि स्वच्छ नहीं यानी कि गंदा पानी है, और ये सभी लोग है जो मिल करके वो केचली को बंकुल करके साइड कर दिए हैं और यहाँ पे जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे एक भाई को देखेंगे छील छाल में बिल्कुल जबरदस्त तरीके से लगे हुए हैं। और आगे आप तस्वीर में देखेंगे, आगे जो घाट आपको नजर आ रहा है वहाँ भी बहुत सारे यानी कि युवा लड़का लोग हैं जो पूरा जोर शोर के साथ यानी कि छठ घाट की तैयारियां के लिए सभी लग चुके हैं। और एक चीज बता देना चाहते हैं, ये जो छठ घाट आप देख रहे हैं समस्तीपुर जिला के सिंगिया प्रखंड के हरदिया पंचायत के है, और यहाँ पे जो है काफी जोरों शोरों के साथ हर साल के भांति इस साल भी काफी जोर शोर के साथ छठ पूजा मनाएंगे। और इन लोग से जानेंगे कि आगे छठ पूजा में क्या कुछ प्रोग्राम है, छठ पूजा में क्या सब प्रोग्राम है, कुछ है कि नहीं? कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, खाली डीजे बजेगा बस, कुछ नहीं है। अच्छा, और यहाँ के प्रतिनिधि और कुछ योगदान दिए हैं कि नहीं? दिए हैं, दिए हैं। चलिए अच्छा बात है, यहाँ प्रतिनिधि योगदान दिए हैं ना, दिए। और भैया देख सकते हैं इन्हीं लोग का मुंह बोल रहा है कि यहाँ का प्रतिनिधि लोग अच्छे हैं, इसीलिए क्योंकि छठ में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ योगदान यानी कि पान नहीं तो पान की डंडी से सेवा छठ मैया के कर रहे हैं। तो यहाँ के प्रतिनिधि के माध्यम से और जगह के प्रतिनिधि को कहना चाहेंगे कि आप भी अपने छठ घाट पे जाइए और माँ के जो ये आस्था का महापर्व यानी लोक पर्व जो भी आप समझ सकते हैं अपने शब्दों में, उसमें जाकर अपना सहयोग कीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो में अपडेट के साथ।